काम वही नहीं होते जिनकी शुरुआत ना हो, ये काम वही नहीं होते जिनकी शुरुआत ना हो, वरना ऐसा कोई इंसान नहीं जिसमें कोई बात ना हो। तो आज की जो मेरी एक कविता है वो मैंने ये सोच के लिखी थी कि आजकल के जो इंसान है बहुत सब बुरा हो रहा है दुनिया में। मतलब आजकल इतने लोग सेल्फिश हो चुके हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ना वो नेचर को प्रिजर्व करके रख रहे हैं, ना वो दूसरे ह्यूमन बींग्स प्रिजर्व कर सकते हैं, बस उन्हें खुद की पड़ी है। तो वो सोच के मैंने एक कविता लिखी थी कि हर चीज जुड़ी इंसान से, हर चीज जुड़ी इंसान से, इंसान किसी से जुड़ नहीं पाया, देखा सबको रिश्ते निभा, कि जो एनिमल्स है वो हमसे ज्यादा बेहतर रिश्ते निभा रहे हैं, लेकिन इंसान लैक कर रहा है उस सब चीजों में। कि हर चीज जुड़ी इंसान से, इंसान किसी से जुड़ नहीं पाया, देखा सबको रिश्ते निभाते, इंसान ने किसको अपना बनाया, कि मतलब के लिए इकरार किया, कुछ लोगों को इनकार किया, कुछ लोगों को इजहार किया, कुछ मतलब से इनकार किया, कुछ लफ्ज वो ऐसे कह गए लोगों के दिल में जो रह गए, कुछ लफ्जों को ठोकर मारी और कुछ को अपना कह गए। मानव ने बख्शा ना मानव को, कि मानव ने बख्शा ना मानव को, पशु पक्षियों की क्या बात करें, वो रहते हैं इस हालत में जैसे लोगों के जज्बात में। कि मानव ने बख्शा ना मानव को, पशु पक्षियों की क्या बात करें, वो रहते हैं इस हालत में जैसे लोगों के जज्बात मरे, जुबान को कड़वा रखते हैं इतनी बुरी वो बात करे, जुबान को कड़वा रखते हैं इतनी बुरी वो बात करे, और डर जाए इंसान इंसानों से, कि डर जाए इंसान इंसानों से, इंसान कुछ ऐसी करामात करे और बातें इतनी नेक करेंगे, कि बातें इतनी नेक करेंगे वैसे वो पक्षपात करे, वैसे वो पक्षपात करे, कि दुख पीड़ा देते हैं सबको, दुख पीड़ा देते हैं सबको, खुद सुखों की भाल में रहते हैं, दुख पीड़ा देते हैं सबको, खुद सुखों की भाल में रहते हैं, दानव से भी बुरे हाल हैं जिनके, इंसानों की खाल में रहते हैं। औरत की कोख से जन्म लिया, औरत की कोख से जन्म लिया, औरत को मार्ज कहते हैं, और लोगों के बच्चों को नोच कर, लोगों के बच्चों को नोच कर अपने को बाल ये कहते हैं, दानव से भी बुरे हाल हैं जिनके, इंसानों की खाल में रहते हैं। ये प्रकृति को भी बख्शा नहीं, प्रकृति को भी बख्शा नहीं, हर पेड़ पौधा भी काट दिया, किसी एक का बन के रहते नहीं, सबको धर्मों में बांट, प्रकृति को भी बख्शा नहीं, हर पेड़ पौधा भी काट दिया, किसी एक का बन के रहते नहीं, सबको धर्मों में बांट दिया। और जब कष्ट आया इंसानों पे, जब कष्ट आया इंसानों पे, फिर खुदा के आगे ऐलान किया, ये कैसे तेरी लीला है, हमने ऐसा क्या गुनाह किया, हमने ऐसा क्या गुनाह किया, फिर खुदा भी बोले कि क्या क्या गुनाह गिनाऊं तेरे, कि क्या क्या गुनाह गिनाऊं तेरे, हर एक को तूने कष्ट दिया, किसी एक का बन के रहता नहीं, हर एक धर्म भी भ्रष्ट किया, कि क्या क्या गुनाह गिनाऊं तेरे, हर एक को तूने कष्ट दिया, किसी एक का बन के रहता नहीं, हर एक धर्म भी भ्रष्ट किया, और इंसानियत तूने सीखी नहीं, इंसान बनने चला है, कि इंसानियत तूने सीखी नहीं, इंसान बनने चला है, सीखो कुछ नेक तुम भी, मेरी ये तुमसे सलाह है, मेरी ये तुमसे। शुक्रिया। वाह बहुत शुक्रिया। अनमोल, बहुत अच्छा लिखा है आपने, ये तो अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया लिखा। मैं वही सोच रहा था, दिन में तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री चलती होगी, साइन थीटा कॉस थैंक यू। थीटा ये कहाँ टाइम मिलता है आपको लिखने का इतनी प्यारी पोएट्री। तो ये बहुत पहले की लिखी हुई है, अब तो टाइम ही नहीं मिलता। जी, करिश्मा मतलब जो एक एक लफ्ज का ना बिल्कुल सच्चाई जो हम देखते आ रहे हैं ना, कि भाई यहाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। एक ना पंजाबी में मैंने कहीं पढ़ा है कि परोसा है जिंदगानी दा, आदमी बुलबुला है पानी दा। पर हम उस बात को ना कहते हैं ना कि कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का, पर फिर भी इंसान चाहता है मुझे ये भी चाहिए कैसे भी। मतलब वो कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, जैसे भी करके बस चाहिए तो चाहिए, चाहे मेहनत हो या ना हो। तो मतलब बहुत सच कहा है आपने, वाकई बेहतरीन, बहुत खूब।
सच में। बहुत शुक्रिया। श्वेता, Yeah, for me, it reminded me of the poems that we used to study in school, like in Hindi textbooks. So I felt like it had so much depth, and it was rhyming also, but it also made so much sense. But yeah, I thoroughly enjoyed it. Thank you so much. And it had a lot of things to think about and really ponder. So yeah, it was lovely. रेखा जी, बहुत अच्छा अनुपम, और वास्तविकता से परिचय कराया है। वास्तव में जो चीज हम चीज देखते हैं, महसूस करते हैं और अपने आसपास इस चीज को हम देखते हैं, उस चीज को आपने हमारे सामने बहुत अच्छी तरीके से बताया, बहुत ही अच्छा लगा। मनीष जी, अनमोल, आपने जो ये लिखा है बहुत ही फीलिंग थी इसमें मुझे, जो जब आप इसको बोल रहे थे, आई थिंक इट इज काइंड ऑफ अ थिंग एवरीवन इज लिविंग लाइफ राइट नाउ, कि उसके आसपास ऐसे लोग हैं जो दिखने में इंसान हैं पर अंदर से दानव निकलते हैं जब भी उसको एक्सपीरियंस करो तो। और बहुत ही अच्छे से लिखा आपने, और हमें ये समझने की जरूरत है कि हम अनंत काल तक यहाँ पे नहीं है, अपना पार्ट निभा के हमें निकल जाना है। तो हम इस दुनिया को इस तरीके से रखें कि आने वालों के लिए उसको प्रिजर्व रखें, रादर देन कि अभी जो है निपटाया और उसके बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक दूसरे का इज्जत करनी चाहिए। तो आपने बहुत अच्छे से लिखा, बहुत अच्छे से सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। रंजीत, रंजीत Yeah, well, I really loved it. And again, I thought even I felt it was like an NCERT textbook, CBSE, poem that you learned in school. After that, you'll ask questions around what did the poet mean. She's the teacher also, ना? अभी क्वेश्चन तो क्वेश्चन पेपर बनाएगी वो तो। It was a classic poem. Like it's like when you kind of in English textbooks you see Kamala Das and you see Madhavi Kutty and all that. So it's like a classic poem that has nothing wrong. Like it's just telling exactly what is the reality. And if you want to get your children and your next generation go in the right direction, these kind of poems make a lot of sense. What I was thinking is that we listened to like four poems today. All four were so different, right, sir? Like Shweta's poem was like very it's like defining new age, the new age poetry. And then Karishma's was like a very strong one that, as I said, like sounded like a song. Manish sir's was like into that vintage, the Mythological. and Anmol's is like again super grounded, So I thought like while you talked about diversity in the group, it's also about diversity art form, right? It's all Yes. poems, but so diverse. So it is amazing listening to you, Anmol. Like, thank you so Thank you. much. Thank you And so much. Ranjit, how about these songs? Songs were also quite different. Yours was an English song, or Rekha ji's song was, oh God, Ghazal, and mine was Tapi. So we had a lot of variety. Jitne bhi aaj, every performer who performed, so it gave a lot of variety to the session. So True. thank you so much, Anmol. Bahut maza aaya. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much.